जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आप सब ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब दिया बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं जसविंदर कौर सहायक प्रोफेसर डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुशियारपुर। अज मैं आप जी के सामने श्री गुरु तेग बहादुर जी की शाहकार रचना श्लोक मोहला नौवां और उन्होंने जीवन संबंधित कुछ विचार साझे कर जा रहे हैं। कुछ समय पहला मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के रचना श्लोक मोहला नौवां जी बारे व्याख्या करने का उपराला किया तो उस समय दौरान मैंने बहुत सारे विद्वानों के विचार पढ़ने का मौका मिला। श्री गुरु तेग बहादुर जी की रचना पदार्थक और संसारिक नाशवानता बयान करती है। ये एक पंथनामा है और इसका हर शब्द हर वाक सानू निराशा की ढेरी तो चढ़ती कला का उपदेश दिता है। जिस समय श्री गुरु तेग बहादुर जी के सिर के उत्ते जल्लाद की तलवार लटक रही थी, उन्होंने अखों के सामने उन्होंने सिखां नू शहीद किया जा रहा है, उन्होंने पुत्र 9 साल का से, उस समय भी श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सानू चढ़ती कला का उपदेश दिता, अपनी लुकाई में चढ़ती कला का उपदेश दिता। उन्होंने कहा, नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद को नानक इस जगत में किन जपे गुरु गोबिंद। उन्होंने कहा कि सारे सुखों का दाता साडा परमात्मा है, परमात्मा सानू दी सिमरन नाल ही सानू गति प्राप्त हो सकती है। संसारिक नाशवानता की गल करिए तो उन्होंने कहा है कि संसार दे विच कोई भी स्थिर नहीं है, जो भी आया है उसने संसार तो कुछ करना है। राम के और रावण के और जाको बहु परिवार कहो नानक इस जगत में किंज कहो नानक इस सबके इस जगत में थिर के सपने जो संसार चिंता तांगे कीजिए जो अनहोनी हुए ए मारे संसार को नानक थिर नहीं हुए। इस संसार च कोई भी स्थिर नहीं है, चाहे वह वड्डे वड्डे महान लोग हों, सब इस संसार तो कुछ करना पैंदा है। इस करके इस दे नाल मोह पाना बेअर्थ है। परमात्मा दे नाम दा ही मोह पाना सानू जरूरी है, सानू चाहिदा है परमात्मा दे नाम दा ही सिमरन करना चाहिदा है। भाई वीर सिंह जी दे शब्दां विच श्री गुरु तेग बहादुर जी दी बाणी श्लोक मोहला नौवां अपने आप विच गल्लां करदी है। एक पंथनामा है ते इस जिस दे उपर पंथ ने तुरना है। प्रोफेसर पूरन सिंह जी दे शब्दां विच श्री गुरु तेग बहादुर जी दी बाणी मधुर है, रागमयी है अते इह सानू निराशा तो चढ़ती कला लैके जाती है ते मन नू तकड़ा करदी है, मनुख दे मन नू तकड़ा करदी है। भाई नंद लाल जी जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के समकाली सन, उन्होंने भी कहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी महान शक्तियों के मालिक सन। वह शक्तियों के मालिक होने के बावजूद भी उन्होंने परमात्मा की आज्ञा का उन्होंने हुक्म का दे अगे सिर चुकाया है। डॉक्टर मदन लाल मसरीजा जो कि भाषा विभाग के डायरैक्टर रह चुके हैं, उन्होंने शब्दों में उन्होंने कहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की कुरबानी लासानी है, इसका कोई भी तुल नहीं है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उन्होंने कदर कीमतों के लिए कुरबानी दी जिन्होंने वो कभी बदलना चाहते सन। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सिक्ख्या स्थापित की, उन्होंने सिक्ख्या दी है कि असी अपना कोई भी धर्म अख्तियार कर सकते हैं तो उस उपर चलन का सू पूरा अधिकार है। साढ़े संविधान की प्रयंबल विच प्रस्तावना विच भी यह सिद्धांत लागू किया गया है कि असं किसी भी धर्म को मन सकते हैं, उसे पाठ पूजा कर सकते हैं। तो लोगों ने उसके उपर इस मन के इसकी मोहर लगाई है, तो ही असी कह सकते हैं कि यह श्री गुरु तेग बहादुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं एक अर्थन मैकाल जिन्हों की भाषा विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी, उन्होंने भी आकाशवाणी का वृतांत पेश किया है कि जो श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश होया उस समय सारे देवी देवते उन्होंने दर्शन करना आए, तो उन्होंने गुहार लगाई हिंदू धर्म की रक्षा करो। तो उपरों सचखंड तो आवाज़ आई कि हौसला रखो, ये बालक धर्म हिंदू धर्म सारे धर्मों की रक्षा करने लिए आ रहा है, धर्म का प्रचंड सारे परपंच सारे संसार में लहराएगा, जालम अते जुलम दे नूं जड़ तो ही पुट देगा। उस नाल ही उन्होंने कहा है कि उस समय श्री गुरु तेग जन्म समय गुरु पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी दरबार साहब में आसा जी की वार का पाठ सरवण कर रहे सन। पाठ सरवण करन उपरंत जो आप बालक के दर्शन कर आए थे, उन्होंने सिर झुका के वंदना की, तो नाल खड़े विधि चंद जी ने इसका कारण पूछा। आपने कहा दीन रश संकट हरण कि यह बच्चा जड़ा है बालक है दीन दुखियों के संकट की रक्षा करेगा अति संकटों का ना करेगा। तो इस तरह ही उन्होंने उन्होंने कही गल सच साबित किया, तो अपने सिस आप शहीद हो गए, अपने अपना सिस कुर्बान कर दिता। सतनाम श्री।